कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में किया हल्ला बोल प्रदर्शन। धौलपुर से प्रमुख खबर, बैलगाड़ी व साइकिल से निकाला पैदल मार्च, NH 3 पर दिया धरना। पैदल मार्च के दौरान कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। धौलपुर जिले के कांग्रेस पार्टी के नेता एवं संगठन पदाधिकारियों ने आज प्रदेश संगठन प्रभारी ललित यादव के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी और साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। शहर में रैली का भ्रमण कर नगर परिषद पर समापन हुआ। रैली के अंतर्गत कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को नाकारा बताते हुए कांग्रेसियों ने आमजन की विरोधी सरकार बताया और NH 3 पर धरना दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान में 7 जुलाई से 17 जुलाई 2021 तक जिला स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। आज शुक्रवार को भारी तादाद में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर संगठन प्रभारी ललित यादव के नेतृत्व में साइकिल एवं बैलगाड़ी रैली का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता एवं संगठन पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भारी नारेबाजी कर विरोध जताया। संगठन प्रभारी यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पूर्व अच्छे दिनों के आने का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वादे पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेकर चलने की बात कहते थे, लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद केंद्र सरकार चंद उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दामों में लगातार कमी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसके बावजूद पेट्रोल डीजल एवं गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। महंगाई की मार से समाज के सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। बताया जा पूरे प्रदेश के अंदर 7 से 17 तारीख को लेकर के महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी का जाबाज कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मजबूती से महंगाई के खिलाफ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर 70 बार पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस तरीके से 2014 के चुनाव में इस देश के अंदर झूठे लोग सत्ता में आए थे, उन लोगों ने कहा था कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उनका नारा फेल होता इस देश के अंदर दिख रहा है। निश्चित रूप से जिस जनता ने उनको विश्वास के साथ वोट दिया था उस जनता के विश्वासघात उन लोगों ने किया है। जिस तरीके से महंगाई कम करने की बात कह करके और महंगाई को आसमान छूने की जैसी स्थिति पैदा इस देश के अंदर करिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीन को लेकर के मोदी सरकार को झुकाने का प्रयास किया था, उसी तरीके से आम जनता के भलाई को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मोदी सरकार को इस मामले में झुकाने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ी हैं आम जनता का जीवन दुभर हो गया है। आने वाले वक्त के अंदर अगर मोदी जी इस महंगाई कम नहीं करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से कार्यकर्ता ईंट सीट बजाएगा और निश्चित रूप से मोदी सरकार किसी भी कीमत को झुकाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पूरे देश के अंतर्गत महंगाई की मार है, गरीब बहुत बुरी तरह से परेशान है, लोग बाग महंगाई की वजह से ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे। इस मुहिम को लेकर हमारी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरे देश के अंतर्गत भारत सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। हर 7 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक पूरे देश में हर जिला लेवल पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रीय कांग्रेस के आदेशानुसार बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं और हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, कृपया आप गरीब लोगों का अहित न करें, उनके हित को ध्यान में रखते हुए महंगाई की रेटें डीजल पेट्रोल गैस रसोई आदि की रेटें कम करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अवैध गांजे के साथ 3 गिरफ्तार, भरतपुर से संवाददाता रिंकू एलिजा की रिपोर्ट। भरतपुर उद्योग नगर थाने ने कार्रवाई करते हुए तुहिता चौराहे के पास नाकाबंदी के दौरान बाइक पर 3 सवारों से 15 किलो गांजा बरामद किया। भरतपुर SP देवेंद्र विश्नोई के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत उद्योग नगर थाने ने कार्रवाई की। सुबह 9:30 बजे मुखबिर की सूचना पर बताया गया कि एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर RJ29SB5797 दिखाई दी है, जिस पर 2 व्यक्ति और एक महिला बैठी हुई है,
पुलिस जाप्ता को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने पीछा करने पर नाकाबंदी की, जिनको तोहता चौराहे पर धर दबोचा। जिनके कब्जे से 15 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी अशोक, ओम प्रकाश व श्रीमती गीता 15 किलो गांजा के साथ पकड़े गए। बताया गया है कि नाकाबंदी के दौरान बाइक को जब रोका गया तो बाइक पर प्लास्टिक के कट्टे को, जिस पर अंग्रेजी में ग्रोफिन लिखा हुआ है, प्लास्टिक के कट्टे में 3 प्लास्टिक की थैलियों में गांजा भरा हुआ था, जिसको अशोक, ओम प्रकाश और श्रीमती गीता से बरामद किया गया है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। उनसे अवैध मादक पदार्थ गांजा मात्रा 15 किलो 230 ग्राम मिले थे, जो गिरफ्तार किया गया है। सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो गुणसारा की तरफ से इधर भक्तपुर की तरफ आ रहे थे। सर, बताया जा रहा है कि कोई महिला किसी पुलिस वाले के रिश्तेदार या कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या मामला? ये सब गलत सूचनाएं चल रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फेक है ये। जटिल अपहरण मामले को चंद घंटों में ही सुलझाया, जिला कलेक्टर ने पुलिस को दी शाबाशी। धौलपुर की प्रमुख खबर। उत्तर प्रदेश से अपहरण कर धौलपुर में लाए गए व्यक्ति के मामले की कार्यवाही में सराहनीय समन्वय के साथ कार्य करने वाली जांबाज टीम का जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने किया सम्मानित। यूपी पुलिस प्रशासन ने भी जिला पुलिस टीम की कार्यवाही को सराहा है। सम्मान समारोह के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारीगण व तहसीलदार आशाराम गुर्जर सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। आगरा से अपहृत किए गए डॉक्टर के सुरक्षित रिहाई पर संपूर्ण जिले में धौलपुर पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है। आगरा से जो अपहृत डॉक्टर था उसकी सक्सेसफुल रिहाई कराने में जिस पुलिस टीम के जवानों और अधिकारियों का योगदान था, उनको अपनी प्रेरणा स्वरूप आज स्थानीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। कलेक्टर साहब, डीएम साहब, ईएमओ साहब और काफ़ी अधिकारी और चिकित्सक मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में उनको सबको प्रोत्साहित किया गया और सम्मानित किया गया, ताकि उनका हौसला बना रहे और आने वाली चुनौतियों में वो और बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। प्रकरण में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक प्रकरण जो कि आगरा में घटित हुआ, किस तरह से लोकल टीम ने इंटरसेप्ट किया, उनके बाद न्यूज़ डेवलप किए, किस प्रकार को पकड़ा, बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में शानदार काम पुलिस क्षेत्र में हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया जिसमें कि टीम के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। IMA और जितनी भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और NGO, उनके माध्यम से एक और कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें कि ऐसे लोग जिन्होंने प्रेरणास्पद काम किया उनको हम किस प्रकार से मोटिवेट करें और इससे धौलपुर का मान सम्मान, धौलपुर पुलिस का मान सम्मान, राजस्थान पुलिस का मान सम्मान, पूरे राजस्थान और राष्ट्रीय परिदृश्य बढ़ाए, हम लोग के लिए गौरव का बात है। क्षत्रिय समाज द्वारा किया गया नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख जगनेर का स्वागत व सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज 16 जुलाई को भरतपुर संभाग अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अशोक शिकरवार के नेतृत्व में क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जगनेर ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होने पर जिला युवा राजपूत महासभा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह तोमर का मित्तल कॉलोनी स्थित उनके निज निवास पर स्वागत सम्मान किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष सरनाम सिंह सिकरवार ने नव निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह तोमर को साफा पहनाया। भरतपुर संभाग अध्यक्ष अशोक सिकरवार व जिला संयोजक हरिओम सिंह तोमर, जिला प्रभारी विनय परमार ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा सरनाम सिंह सिकरवार ने कहा कि वीरेन्द्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में जिला राजपूत महासभा के युवा अध्यक्ष भी हैं, उनका जगनेर ब्लॉक का निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुना जाना हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। जिला प्रभारी विनय परमार ने कहा कि तोमर साहब की जनसेवी भावना का परिणाम है। भरतपुर संभाग अध्यक्ष अशोक शिकरवार ने बधाई व शुभकामनाएं दी। नव निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष जगनेर वीरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जन भावना की कदर करते हुए कार्य करूंगा। आप सबके सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रदीप सिसोदिया, गुरुवेंद्र सिंह परमार जिला उपाध्यक्ष, बंटी परमार जिला उपाध्यक्ष, कमल सिंह चौहान जिला सचिव आदि उपस्थित रहे। मरैना के संवाददाता सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। आमजन में विश्वास कायम करना पुलिस का मुख्य ध्येय। प्रवेंद्र महला, अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा एवं आमजन ने किया पुलिस अधिकारियों का नागरिक अभिनंदन। धौलपुर से खास खबर। बिना आमजन के सहयोग से पुलिस कोई भी अपराध का खुलासा नहीं कर सकती, इसीलिए पुलिस का सहयोग करना काफी महत्वपूर्ण है।
उप पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र महला ने कहा। प्रवेंद्र महला ओडेला रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा आयोजित पुलिस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित जन समूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास कायम करना पुलिस का मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नागरिक अभिनंदन के माध्यम से हमारे जवानों के हौसले में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में जिले में कई वारदातों का 24 घंटे में खुलासा हुआ है। यह अपने आप में बड़ी बात है, जिसके लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा धौलपुर पुलिस की प्रशंसा की गई है। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल ने स्वागत समारोह में संबोधन किया। युवा गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष संजय कंसाना ने बताया, दुर्गा कॉलोनी ओडेला रोड पर महेंद्र सिंह गुर्जर के निवास पर पुलिस का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सीओ सिटी एवं निहालगंज कोतवाल बाबूलाल गुर्जर रहे। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संजय कंसाना द्वारा कार्यक्रम का समापन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने किया प्रतिभाओं का सम्मान, धौलपुर की प्रेरणादायी खबर। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना धौलपुर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में चयनित हुए जिले के विप्र समाज के युवाओं बबलू शर्मा एवं सत्येंद्र तिवारी को सम्मानित किया और उनसे मिलकर जिले के सभी पदाधिकारियों ने बधाई दी। संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंडित नरेंद्र पारासर जी शुभकामनाएं देते हुए समाज के दोनों युवाओं को साफा और माला पहनाकर संगठन का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारी धौलपुर जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा सहित संतोष शर्मा, रामसागर पारासर दरूरा, रामदत्त शर्मा, सतीश पत्रकार, विनोद शर्मा, जितेंद्र शर्मा सहित संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने समाज के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर समाज में सम्मानित करने का उद्घोष किया। मुरैना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। लगातार बिजली गायब रहने से कॉलोनी वासी परेशान, धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर की कांच मिल के पास स्थित बालाजी नगर में आए दिन बिजली खराब हो रहती है। गुरुवार को शाम से गई लाइट शुक्रवार सुबह 10 बजे तक नहीं आने पर कॉलोनी वासी रात भर इस भीषण गर्मी में परेशान रहे। इस परेशानी को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में बिजली सुचारू रूप कराने के लिए अधिशासी अभियंता बिजली विभाग को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई कि कॉलोनी में 11,000 वोल्ट की लाइन पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यदि कॉलोनी को बिजली की सप्लाई इस डीपी से कर दी जाए तो समस्या का निदान हो सकता है। मैं भी सेम बालाजी नगर से ही हूँ, जो लास्ट रात 10 बजे 9:30 बजे का अराउंड लाइट गई है, जो अभी तक नहीं आई। कई सारी कंप्लेनें कर दी, फ़ोन कर दिए, JEN साहब को भी कर दिए, मतलब हर किसी को मैं अप्रोच कर ली, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं है प्रॉपर। अभी मैं 9 बजे से ऑफिस में हूँ, JEN साहब का अता पता भी नहीं है, और 10 से ऊपर हो चुके हैं, जबकि उनका टाइमिंग साहब यहाँ बता रहे हैं 9:30 बजे तक आ जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। समस्या ये ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वायरिंग क्रैश हो रही है, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं है, उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो एक DP अलग से लगी हुई है कॉलोनी में, जिस पर कोई लोड नहीं है, उसके लिए ज्ञापन दे दिया, पहले से फ़ोन से बता दिया, वर्बली सब कुछ बोल देते कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, जो कि एक अच्छी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। मैं ही क्या, पूरी कॉलोनी सफ़र कर रही है इस चीज़ से, और गर्मी का टेम्परेचर आप देख रहे हो 50 से ऊपर जा रहा है, बिना पंखे के बंदा बैठ नहीं सकता, हवा है नहीं, बारिश है नहीं, तो ये कॉमन समस्या है, जिसे आपको जितना जल्दी हो सके उतना रिजॉल्व करो तो बेटर। क्या नाम है आपका? विपिन। मेरा नाम विवेक वर्मा है, बालाजी नगर से हैं। रात को लगभग 9:30 बजे से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अत्यधिक परेशान हैं। मैडम और ये AN साहब, JEN साहब को लगातार संपर्क कर रहे हैं, परंतु ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सुबह 9 बजे के आसपास मैडम ने फ़ोन उठाया और कह रही हैं करवा रहे हैं, कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं। ये समस्या महीने भर से लगभग चल रही है हमारी। अभी तक मैडम नहीं आई क्या? अभी तक मैडम नहीं आई, लगभग 9:45 बजे के आसपास का समय हो गया, ऑफिस में कोई नहीं है अभी। हम अवैध गांजे के साथ एक गिरफ्तार, बसेड़ी क्षेत्र की प्रमुख खबर। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गत दिवस पुलिस चौकी लेबुडापुरा थाना बसेड़ी के इंचार्ज विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान 13 किलो 800 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति सुरेंद्र भारती उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया है।